बंदे को मार दिया और पूरी की पूरी गैंग को भी खत्म कर दिया भाई। किसी को भी पता ही नहीं लगा, मतलब डच भी ना भाई कभी कभी तगड़े प्लान बना लेता है। मुझे तो लगा था कि भाई इस बार डच ना मरवा ही देगा, जब भी वो सैंट डेनिस लेकर जाता है ना भाई पुलिस पीछे पड़ जाती है, पर इस बार किसी को पता नहीं लगा, हम लोगों ने पूरी गैंग भी खत्म कर दी। बाकी यार अभी मैं अपनी कैंप की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि कैंप में बहुत सारे काम आ गए हैं। एंड रास्ते में मुझे एक रैबिट यहाँ पे मिल गया था, मतलब एक खरगोश यहाँ पे मिल गया था, तो मैंने इसका शिकार कर लिया। इसको बाद में अपन लोग कुक करके आराम से खाने वाले हैं। एंड आज बुचर के पास भी जाना है, तुम लोग देख रहे हो पीछे काफ़ी सारी स्किन है। बाकी यार अपना प्लान है कि यार जल्दी से जल्दी ना चैप्टर 6 खत्म हो जाए, तो अपन लोग उसी में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी गाइस अपन लोग चैप्टर 6 को खत्म करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ, लाइक वाइक करके थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। एंड एक सेकंड गाइस, भाई हेलो ये कौन है? एक सेकंड भाई ये लोग कौन है जो, एक सेकंड मैं ऐसे नहीं जाने वाला भाई। ये लोग हैं कौन? एक मिनट भाई, मेरी बो कहाँ है? बो मेरे पास आने दो, आज मैं बो चलाने वाला हूँ भाई। लोग हैं कौन तेरी तो ऐसे? एक सेकंड तू वहां, तू निकल यहाँ से। गया एक भाई, लोग मेरा रास्ता ब्लॉक करके खड़े गाइस। ये लोग मेरे को ऐसे तो नहीं मार सकते, तो मेरा रास्ता ब्लॉक करके मेरे को घेर के मारने के लिए खड़े हुए थे। निकल तेरी तो, मेरे मुंह पे आ गया मारने के लिए गाइस। ओके ओ भाई, मैं सबको बहुत से मारूंगा गाइस आज। निकल यहाँ से, सिर्फ दो तीन बंदे रह गए। एक सेकेंड भाई, ये लोग पता नहीं कौन है, मेरे को ये तो नहीं पता, बट आज बचेंगे नहीं मेरे हाथ से। गया ये भी, सिर्फ एक लास्ट बंदा रह गया है, बच गया। भाग रहा है वो भागने नहीं दूंगा मैं किसी को, भागने नहीं दूंगा मेरे को पता करना ही। ओके भाग रहा है वो बहुत तेजी से। एक सेकेंड, भाग के जाएगा कहाँ बेटा, भाग के जाएगा कहाँ भाई, मेरे को नहीं पता ये है। वो जा रहा है इसकी तो एक सी की तैसी, भाग के कहाँ जाएगा। पड़ा एक हेडशॉट पड़ा, निकल यहाँ से भाई, भाग कर जाएगा कहाँ मेरे को नहीं पता गाइस ये लोग हैं कौन। पर भाई देखो पूरे मैप में भाई हर एक जगह अपने दुश्मन हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे लोगों से पंगे ले लिए हैं। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, वांटेड है भाई, देख रहे हो लोग हमें भाई पकड़ के मारना चाह रहे हैं, और भाई बाउंटी हंटर्स लगे हुए हैं। देखो इसमें लोगों की गलती नहीं है, हमारे ऊपर प्राइज ही इतना बड़ा लगा हुआ है। हमारी पूरी गैंग वांटेड है, तो पुलिस वालों ने ना हमारे ऊपर प्राइज लगा दिया है। इसीलिए देखो मैप के अंदर जितने भी देखो गैंग वाले हैं, जितने भी लोग बाउंटी हंटर्स हैं ना, वो सारे हमें मारना चाहते हैं, ताकि वो हमारी डेड बॉडी को ले जाके पुलिस को देंगे ना, तो उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। इसीलिए इन लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया था। एंड एक सेकंड गाइस, कहाँ गए उन लोगों की डेड बॉडी, मेरे को लूटनी है। एक सेकंड, उन सबकी बॉडी कहाँ है? और भाई देख रहे हो पूरा रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे, इन लोगों को पता था कि मैं इसी साइड से जाने वाला हूँ, तो रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे यहाँ पे। हद है भाई। एक सेकंड, तूफान आ जा बेटा, आ जा तूफान को यार दो तीन गोलियाँ लग गई भाई। इसको पहले थोड़ा खाना वाना खिलाना पड़ेगा यार तूफान को। ओके पहले मैं इसको खाना खिला दूँ थोड़ा सा। एक ही गाजर मेरे पास पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास चीज़ वर्क, मतलब मेरे पास काफ़ी सारा खाना तो होगा। जब मैंने तूफान को ख़रीदा था उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारा खाना ले लिया था, बट कोई सीन नहीं है। पता नहीं बॉडी कहाँ गायब हो गई यार इन लोगों की, मेरे को नहीं। ओके एक सेकंड गाइस, ये देख रहे हो गधे को लेकर जा रहा है, गधे पे बैठ के जा रहा है गाइस। ये बहुत ज़्यादा तेज भागता है गधा, मैं तुम लोग को बता दूँ, घोड़े से भी ज़्यादा स्पीड होती है गधे की। एक सेकेंड, ये सामान सेल करने वाले बंदे हैं, यहाँ देखो सामान वगैरह लोड। एक सेकंड ओ भाई इसमें कितना सारा सामान है गाइस, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। एक सेकंड ये देखो भाई, एक सेकंड गाइस, उस घोड़े को पकड़ते हैं गाइस, इसमें बहुत सामान है उसको उसको बुचर के पास लेकर जाएंगे ना, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो जा रहा है इसके ऊपर देख लो, बहुत ज़्यादा सामान, मतलब हिरन वगैरह बहुत सारे की स्किन वगैरह लोड है। ओ भाई 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 भाई, उसने पता नहीं किसको खचेड़ दिया।
यार एक तो आसपास वुल्फ है, पता नहीं क्या है भाई। गाइस मेरे को वुल्फ की आवाज आ रही है, आसपास से वुल्फ की आवाज आ रही है। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। इजी इजी बॉय इजी। अरे भाई कितना खतरनाक घोड़ा है ये। गाइज उसके पास, उसके घोड़े के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा स्किन वगैरह लोड है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब पक्का वो कोई शिकारी होगा जिसका घोड़ा है ये। भाई घोड़ा बड़ा समझदार है, मतलब पकड़ में ही नहीं आ रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है भाई। भागता हुआ जा रहा है, पूरे भागता हुआ जा रहा है। पकड़ना तो पड़ेगा इसको, पकड़ना तो पड़ेगा। एक सेकेंड भाई, मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सामान लोड है। एक सेकेंड, मैं इसको जाने तो नहीं दूंगा। एक बार ये थोड़ा शांत हो जाए ना, एक मिनट में इसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ, पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर मैंने इसको मारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मर जाएगा ये घोड़ा। इसके ऊपर जितने भी शिकार है ना, जितना सामान पड़ा है ना, वो हाथ से निकल। भाई कितना तेज भाग रहा है, भाई थक ही नहीं रहा गाइस। एक सेकंड इसको थकने दो, पहले इसको थकने दो, थकने दो, थकने दो एक बार। अभी कहाँ निकल गया, वेदर एकदम चेंज हो गया गाइस। एक सेकंड, अबे यार एक तो वेदर चेंज हो गया, कहाँ निकल गया वो? वो क्या आवाज आ रही है? बोरा 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 बोरा। भाई कहाँ लेकर जा रहा है मेरे को नहीं पता। ओके जंगलों के बीचों बीच जा रहा है, जंगल के बीचों बीच जा रहा है ये। मेरे को बस उसकी आवाज आ रही, मैं इसको फॉलो करता हूँ। ओके ये रहा ये रहा ये रहा। ओके अब मैंने उसे चुपचाप से जाके पकड़ता हूँ। ओके गाइज मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता, बट तुम लोग इसके ऊपर शिकार देख रहे हो। इसके पास, इसके ऊपर, उसके पास बहुत ज़्यादा शिकार है, इसको पकड़ नहीं सकते हम। मेरे को नहीं पता, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्किन है इसके पास भाई। मैं निकाल भी, ओ भाई मेरे को ला, अरे भाई लात मारते तेरी तो। एक सेकंड ऐसी, एक सेकंड रुक, अब तू मरेगा बेटा, निकल यहाँ से। भाग यहाँ से, लात मारेगा, लात मारेगा, निकल यहाँ से। भाई इसकी स्किन नहीं ले सकते गाइस, इसकी स्किन नहीं ले सकते। निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं भाई। आसपास वुल्फ की आवाज़ आ रही थी, इसकी स्किन नहीं निकाल सकते हम लोग भाई। इतना ये ना घोड़े ना बहुत ही दमदार होते हैं, हम निकलना चाहिए मेरे को। इससे पहले उठ के वो मेरे को मारना स्टार्ट करे। वो मरा नहीं है तो मैं, क्या लग रहा है वो मर गया? नहीं, मरते कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी गोली से मर जाते हैं, बट घोड़े जल्दी मरते ही नहीं है। तूफान को भी देखो कितनी ज़्यादा गोलियाँ भी लग गई थी, बट तूफान को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा होता है भाई। मैं ना तूफान को खाना खिला देता हूँ थोड़ा सा और, है ना, खाना खिलाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इसका लेवल ना जल्दी जल्दी से बढ़ेगा, एंड लेवल बढ़ेगा तो अपने को फ़ायदा होगा। देखो लेवल बढ़ेगा तो ये तेज चलेगा। ओके तो अभी मैं कैंप में आ चुका हूँ अपने, बहुत से कहीं यहीं कहीं पर दिखा रहा है ना। ओके 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 यहीं पर दिखा रहा है कुछ। ओके 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 यहीं पर दिखा रहा है। फटाफट से चाल से बात करनी है क्या? ओके चाल से बात करनी है, फटाफट से बात करते चाल से। तो अभी अपने को चाल से नहीं भाई, यहाँ पे इससे बात करनी है, सैडी से। ओके तो ये लड़की ना भाई बहुत बार मुसीबत में डाल चुकी है भाई। अपना हॉट एयर बलून था वो भी इसके वजह से पूरा का पूरा खराब हो गया था, एंड इसके वजह से हम लोग काफ़ी बार मुसीबत में पड़े हैं। बट जब भी इसका कोई काम होता है ना, कोई ना कोई खतरनाक ही चीज़ होती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, पता करते हैं भाई। गैंग के साथ काम करेंगे ना तो जल्दी जल्दी अपने जो चैप्टर 6 है ना भाई, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वैसे खत्म होने ही वाला है, मैंने ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े मिशन कर दिए, बस एक दो ही रह गए होंगे। एंड जैसे ही चैप्टर 6 खत्म होगा ना भाई, 7 में ना बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़। स्पेशली भाई घोड़े अनलॉक हो जाएंगे, जो बढ़िया बढ़िया घोड़े हैं। मुझे पता है तुम लोग चाहते हो कि यार मैं घोड़े पकड़ूं, पर गाइस इसीलिए नहीं पकड़ रहे, बट जल्दी पकड़ेंगे, टेंशन ना लो। बस चैप्टर 6 एक बार खत्म हो जाए। ओके ओके तो गाइस यहाँ पे आ रहा है हेल्प स्टडी या फिर डोंट हेल्प। तो अपन लोग हेल्प करने वाले हैं क्योंकि अपनी गैंग मेंबर है, तो भाई हेल्प करना तो बनता है। देखो आर्थर का काम है भाई गैंग के सारे लोगों की हेल्प करना। हाँ आर्थर की हालत थोड़ी खराब है, तुम लोग इसकी आंखें देख रहे हो गाइस, ऐसा लग रहा है कितना नशा कर रखा होगा इसने, बट इसकी आंखें ना अब ऐसी रहती है क्योंकि ये बहुत बीमार है। ओके गो विद सेडी या फिर मैं गो करता हूँ, इसके साथ ही चलते हैं। ओके ओके तो अभी अपना घोड़ा आ चुका है,
फटाफट से मेरे को लगता है कि अभी हम लोग किसी रेंच की तरफ जा रहे हैं। एंड आर्थर गाइज अभी प्लान बना रहा है कि हम लोग ना ये गैंग छोड़ रहे हैं, मतलब डच में ना हम लोग भाई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओके तो गाइज अभी अपना आर्थर भाई सोकर उठा है। एंड एक सेकेंड गाइज मैं ये सो कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। ओके तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा शेल्टर टाइप का बना लिया है। ओके तो अभी हम लोग भाई कहीं किसी पे तो अटैक करने जा रहे हैं या फिर मेरे को नहीं पता क्या करने जा रहे हैं। ओके तो गाइज अभी हम लोग किसी रेंज की तरफ जा रहे हैं। एंड मेरे पास गन ही नहीं होती है यार, जब भी हम लोग लड़ने जाते हैं ना गाइज मेरे पास गन ही नहीं होती है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैं अपनी पिस्टल से काम चला लूंगा। मेरे को पिस्टल चलाने में वैसे ज्यादा मजा आता है। मैं आप लोग को बता रहा है कि यार आर्थर ना गैंग छोड़ने का सोच रहा है, क्योंकि डच पे ना यार देखो भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो पता नहीं शायद आगे जाके हो सकता है कि यार आर्थर गैंग को छोड़ दे। ओके तो गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, सैडी ने एक मॉली रेंच के अंदर डाल दिया, उसने आग वाग लगा दी और उसने लफड़ा भी यहाँ पे कर दिया है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि गाइस मेरे पास ना ग्रेनेड पड़े हुए हैं, तो क्यों ना मैं ग्रेनेड का इस्तेमाल करूँ, है ना। ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे बंदे ना कुछ ज़्यादा ही हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं, ओ भाई 8 ग्रेनेड और है मेरे पास, आ जाओ बेटा आ जाओ अभी तुम लोगों से। एक सेकेंड, ओ भाई कितना आगे जा रही है। एक काम करता हूँ, ये पहले आगे जाए, मैं फटाफट से आगे जाता हूँ, निकलो यहाँ से। मैं इसको टेंशन की बात ही नहीं, मेरे ग्रेनेड बहुत ज़्यादा है, ये गोली चलाएगी मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, है ना, ये हुई ना बात। ओके कोई सीन नहीं आएगा इस, ओके अभी निकालता हूँ मैं अपनी गन, बहुत हो गई, अब मैं अपनी गन निकालता हूँ, आ जाओ बेटा निकल यहाँ से। ओ भाई पहले टोपी उड़ाई और फिर मैंने उड़ा दिया उस बंदे को, एक बंदा यहाँ पे है, निकल तू भी। अबे पहले मैं हमेशा ये भागता हुआ कहाँ आ रहा है, भागता हुआ क्या आ रहा है, प्रसाद बट रहा क्या, भागता हुआ क्या आ रहा है, एक सेकंड। ओ भाई ये कितना गई, ये भी गई, एक यहाँ पे है बंदा। एक बंदा ऊपर है गाइस। ओके भाई हम लोगों ने यार लाशों के ढेर लगा दिए। ओके क्लियर द बान, ओके मेरे को बान के अंदर जाना है, टेंशन की बात नहीं है, हमने बस बम है। अरे 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 भाई बान में कोई चले मत जाना। ओ तेरी गाइस अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, गया एक गया, कहाँ है बंदे, ऊपर जाना है। तेरी तो निकल यहां से भाई, मैं ऊपर ही चलकर इसीलिए आया हूं। बांस क्लियर, ओके कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है, अपन लोग भाई मन लोग उड़ के आ जाएंगे ऊपर से। एक सिंगर है, मेरे को ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। आवाज कहां से आ रही है। ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओ तेरी भाई ये लड़की बहुत खतरनाक है, देख रहे हो चाकू से मार रही है किसी को, कोई भयंकर तरीके से। ओ भाई 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 ये लड़की आर्थर से भी खतरनाक है गाइस, आर्थर से भी खतरनाक। आर्थर ने आधे बंदों को निपटाया और इसने पूरों को ही निपटा दिया भाई, ये बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। okay. तो अभी हम लोगों ने पूरी के पूरे रेंज को खाली कर दिया, यहाँ पे जितने भी बंदे थे भाई सबको टकवा दिया है, कोई भी नहीं बचा है। बाकी मेरे को लगता है कि इसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया था, शायद इसी वजह से ये ना सबसे बदला लेने चाह रही है। तो अभी हम लोगों ने पूरी के पूरे रेंज को खाली कर दिया है भाई, सबको टपका दिया है यहाँ पे जितने भी बंदे थे। एंड अभी हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले यहाँ पे और भी बंदे आ जाए। ओके तो सैडी भाई कहीं और जाने वाली है, देख लियो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, पूरे बॉडी में इसके ब्लडी ब्लड लगा हुआ है। तो ये भाई आर्थर ने बोल दिया पहले तुम जाओ भाई, जाके अपने कपड़े वपड़े साफ वाफ करो, क्लीन करो अपने आप को, और मैं ना भी यहीं पे रहने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते क्यों ना सबको लूट लिया जाएगा, है ना, इनसे अपने को बहुत ज्यादा मतलब पैसा वैसा या काम की चीजें मिल सकती है।
देखो एक एक डॉलर भी मिलता है ना तो अपने काफी काम हो जाएगा। मतलब मेरे को ज्यादातर ना पैसा ही चाहिए, फिर गोल्ड का सामान वगैरह मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके हॉर्स की कोई टॉनिक मिली? अब भाई इसको तो लूट ही नहीं सकते, तो जल भुन गया है पूरा। इस बंदे को लूट सकते हैं भाई, यहाँ पे ना बॉडी बॉडी भरी पड़ी है पूरे में, बॉडी बॉडी। जल्दी ना ये लोग इसलिए नहीं पट गया क्योंकि मैंने जो ग्रेनेड मार रहा था ना भाई, एक एक ग्रेनेड से ना दो दो तीन तीन बंदे नहीं पट रहे थे। ओके और कहाँ है बाकी की बॉडी, किस साइड है किस साइड है किस साइड है? ओके यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है। ओके बहुत सही, फटाफट से पहले सबकी। यार कुछ तो काम का निकले इनके अंदर कुछ। ओके एक डॉलर मिला, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हॉर्स टॉनिक ही मिल रही है। ओके नाइफ मिले मेरे को, दो नाइफ मिले हैं। एक सेकंड गाइस, निकलना पड़ेगा। अरे यार पुलिस आने वाली है इस वाली जगह में, पुलिस आने वाली है, निकलना पड़ेगा। तूफान जल्दी आ। ये पूरा एरिया वॉन्टेड हो चुका है, यहाँ पे देखो क्राइम हुआ है, इसलिए कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। निकलना पड़ेगा गाइस मेरे को। ओके मैं निकल गया। अगर मैं इस रेड के अंदर रहता ना तो भाई पुलिस ना मेरे पीछे बढ़ जाती, एंड मैं वो चाहता नहीं हूँ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब पुलिस वगैरह भी आएगी यहाँ पे ना, चेकिंग वगैरह करेगी कि आखिरकार यहाँ पे गैंग वॉर किसके बीच हो। वो देखो गाइस तुम लोग दिख रहे हैं? अरे यार वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं भाई, उनने मुझे देख भी लिया। हद यार, इसी की कमी रह गई थी गाइस। तूफान जल्दी है भाई, जल्दी आ। उन लोगों ने मेरे को देख भी लिया गाइस। एक सेकंड चलती। ओके गाइस वो लोग वापस आ रहे। वो लोग वापस आ रहे, देखो सारे पुलिस वाले हैं, वो पीछे पुलिस वाले वो रेंज में वापस गए हैं। वो वहाँ पे चेकिंग वगैरह करेंगे, पता करेंगे कि आखिरकार ये क्राइम किया किसने है। वैसे किया तो हम लोगों ने ही है, बट अभी ना यार रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस एरिया से बाहर निकलो, यहाँ पे रहना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, यहाँ पे रहना तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, तो यहाँ से निकलना चाहिए फटाफट से। एक सेकेंड गाइस, आसपास भालू है। एक सेकेंड भाई, ये रे गन, आसपास भालू है भाई। एक सेकंड मेरे को देखने तो है कहाँ पे। ओ है यहीं कहीं ऊपर में, बस वो नीचे ना। अरे मेरे को नीचे मत गिरा देना तूफान यार, नहीं तो वो मार ही देगा मेरे को। एक सेकंड चल तूफान, तू निकल अब। गाइस मैंने बहुत दिनों से देखो किसी भालू का शिकार नहीं किया है, तो हो सकता है वो मेरे पे अटैक कर दे। एंड अगर बड़ा भालू हुआ तो देखो नॉर्मल सी बात है, वो मार ही देगा। बहुत टाइम से ना हम लोगों ने शिकार नहीं किया ना, इसलिए मेरे को ढूंढने में भी थोड़ी दिक्कत हो जा रही है उसे। तो पहले तो मैं प्रॉपर ढूंढ लेता था कि भाई किस जगह से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। ओके पता नहीं कहाँ निकल गया, आवाज़ तो पहले पास से ही आ रही थी, बट मुझे लगता है कि यार अभी फिलहाल वो यहाँ नहीं है। अरे भाई, अरे तेरी भाई जो रेंज के, ओ भाई 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 मार दिया इसने, मार दिया तेरी तो। एक सेकेंड, ओ भाई तेरी तो निकल, इसको छोड़ना नहीं है भाई, तेरी तो निकल यहां से। ओ भाई कितना चालाक है ये भालू गाइस, इसके अंदर छुप के बैठा हुआ था। और तो नहीं है इसके अंदर। एक मिनट पहले इसकी स्किन निकालो भाई, कितना ज्यादा चालाक था ये भालू गाइस इसके अंदर। मैंने बोला था ना देखो आसपास भालू है, क्योंकि पहले से ना उसकी आवाज आ रही थी कान में। भाई कितना ज्यादा चालाक था भाई, जरा सा बचा मैं, जरा सा। अगर मेरे पास चाकू नहीं होता ना तो पक्का ही मेरे को मार देता वो। तो अच्छा है कि अपना आर्थर तगड़ा वाला शिकारी, और देखो उसके गले में मैंने जो मारा था ना डैमेज, देखो कितना ज्यादा हुआ है। इसकी स्किन ज्यादा महंगी तो नहीं बिकेगी क्योंकि मैंने इसको डैमेज कर दिया है, और इसीलिए अपना घोड़ा ना यहाँ आसपास आते टाइम बहुत ज्यादा डर रहा था। ओ भाई 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 भाई, मरते मरते बचाऊ मैं, मरते मरते गई जरा सा मैं इसको कैरी कर सकता हूँ ना, एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ कर सकता हूँ। एंड अभी सबसे पहले तो मेरे को बुचर की शॉप पे ही जाना है। मैंने बोला था ना देखो इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा भालू होते हैं, मैं पहले इधर बहुत ज्यादा शिकार करता था। और एक सेकंड मैं ना पहले मौली निकालता हूँ। अगर मुझे एक सेकंड, और भी है क्या आसपास? अबे मुझे लगता है गाइस कुछ तो तगड़ा सीन है आसपास, पक्का कुछ ना कुछ तगड़ा सीन है। घोड़ा ना देखो डर के तभी भागता है जब उसको अपनी जान की फिक्र होती है तब। चलो अब निकलते हैं यहाँ से।
एंड मेरे को सबसे पहले जाना है बुचर की दुकान पे, क्योंकि अभी मेरे पास सामान ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो वो स्ट्रॉबेरी में, हाँ है बुचर की दुकान है एंड अपने पास में ही है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो पास में, पहले बुचर के पास चलते हैं, पहले अपना सामान सेल करते हैं। भाई काफ़ी दिन बाद गाइस इतना बड़ा कोई शिकार किया है, मतलब काफ़ी बड़ा भालू था, मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा भालू होगा ये, बट काफ़ी बड़ा था भाई। जब अंदर से निकला ना, मतलब पूरे गेट में मेरे को लगा पता नहीं क्या है भाई अंदर। ओ भाई तगड़ा ही सीन हो गया। बाकी तुम लोग सामने देख रहे हो, देखो जंगली घोड़े तुम लोग को नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। एक सेकेंड, जंगली घोड़े नहीं है गाइस, ये कोई बंदा है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता है कर क्या रहा है यहाँ पे। ओके गाइस ये डायमंड्स तलाश रहा है यहाँ पे। ओके बहुत सारे लोग ना मतलब डायमंड्स वगैरह और सोना वगैरह पानी के अंदर ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइंस बहुत ज़्यादा है ना, तो पानी से बहकर आ जाते हैं। जंगली घोड़े ना इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरे को उनकी ब्रीड नहीं पता एंड अभी अनलॉक भी नहीं हुआ। नहीं तो जो ये खुले मैदान है ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा घोड़े मिल जाते हैं। वो देखो सामने एक घोड़ा दिख रहा है तुम्हें, ये देख रहे हो, वो देखो ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं, बट अभी अपने को नहीं पकड़ना जब तक देखो किसी अच्छी ब्रीड के बारे में नहीं पता लगेगा ना, ऐसे पकड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को ऊपर जाना है क्या? हाँ ऊपर निकलना है, ऊपर निकलना है। फटाफट से चलते हैं पहले बुचर के पास, जितना भी अपने पास सामान है वो बेचते हैं एंड फिर मेरे को कपड़े वगैरह भी चेंज करने। मेरे पूरे कपड़ों की हालत देख रहे हो भाई, भालू ने अच्छे से चीथड़े उड़ा दी। मैं खाना खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ी हेल्थ, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ी हेल्थ वगैरह बढ़ जाए एंड फटाफट से चलते हैं, कपड़े चेंज करेंगे फिर चलेंगे। भाई काफ़ी सारे काम दिखाई दे रहे हैं मेरे को, वहाँ चल के देखते हैं कौन कौन से काम करने हैं। एक सेकेंड गाइस, किसी की आवाज़ आ रही है ना पीछे से। एक मिनट, ये बंदा कौन है? ओके ये क्या कर रहा है भाई पहाड़ी के किनारे पे? एक सेकेंड, अभी ये यहाँ से क्या देख रहा है? ओ भाई नीचे गाइस पूरी की पूरी घोड़ा गाड़ी पलटी हुई है। भाई पक्का कोई रात में यहाँ से घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा होगा। ओ भाई क्या सीन है गाइस, क्या सीन है भाई। ये बंदा खड़े होकर इसको देख रहा था, हद है भाई। लोगों के पास देख रहे हो इसमें भी कितना ज़्यादा टाइम है, मतलब कहीं पे भी घोड़ा रोक कर खड़े हो जाते हैं जंगलों के बीच में। बाकी गाइस पता नहीं यार आजकल ना थोड़ा सा गेम लैग सा हो रहा है, गेम अटक रहा है, तुम लोग को भी दिख रहा होगा, तो प्लीज़ यार इसको इग्नोर कर देना। मेरे को नहीं पता, मैं देखूँगा कि हो क्या गया है, गेम अटक क्यों रहा है इतना ज़्यादा, मेरे को नहीं पता। ओके सामने मेरे को एक घोड़ा गाड़ी नज़र आ रही है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ ना किसी से पंगे ना लेकर ना सीधे अपना काम किया जाए। ओके आगे हम लोग आगे। ये वाला गांव ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब जंगलों के बीचों बीच में है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ओके स्टार्टिंग में यहाँ पे बुचर की शॉप है, स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होती बुचर की शॉप है यहाँ देखो। ओके पहले फटाफट से सारी स्किन निकालो, देख रहे हो कितना ज़्यादा सामान मैंने लोड कर लिया भाई आज। इसको भी मज़ा आ जाएगा भाई बुचर को ना, आज फ्रेश सारी स्किन मिलेंगी। वैसे एक सेकेंड हाँ मेरे को सेल करना है। वैसे अगर मैं ये वाली स्किन वगैरह ना सैंटेड एनिस में जाके बेचता ना तो बहुत पैसा मिल जाता। देखो कितना कुछ है मेरे पास, सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेचो गाइस, कितना कुछ है। ओके सारा बेच दिया मैंने, है ना सारा कुछ बेच दिया एंड फटाफट से निकलते हैं एंड ना थोड़ा सा कपड़े वगैरह अपने साफ कर लेते हैं, पानी में डुबकी मार लेते हैं। देख रहे हो फ्रेश वाटर है यहाँ पे, फ्रेश वाटर, पानी में डुबकी इधर से जब मारते हैं, देखो इधर से जब मारते हैं, वाह भाई क्या सही सीन है ना, क्या सही है। ओके देखो देखो कपड़े क्लियर हो गए, एकदम कपड़े क्लीन हो गए गाइस, एकदम कपड़े क्लीन हो गए एंड अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, हो गया हमारा काम। आजा बेटा आजा निकलते हैं यहाँ से, छोटे मोटे काम नहीं करने गाइस, छोटे मोटे काम नहीं करने, अपने को सीधे चलना है अपनी कैंप की तरफ। ओके कहाँ पे आ रहा है? ओके एक तो यहाँ पे आ रहा है, मेरे को नहीं पता ये काम कौन सा भाई, सारे ना नई चीज़ें आ रही है। ओके यहाँ निकलते हैं, ठीक है यहाँ निकलते हैं फटाफट से। ईगल फाइल्स, ओके तो हमने कुछ टाइम पहले उनके लिए काम भी किया था, शायद घोड़ों को बचाया था ना, घोड़ों को बचाया था एक बोट में उनके, शायद घोड़ों को ये लेकर जा रहा था तो हम लोगों ने घोड़े बचाए थे, उसी बंदे का कोई काम आया है पक्का, कोई ना कोई खतरनाक काम होगा। तो फटाफट से चलते हैं, और बाकी इस गेम में भाई मिलिट्री वाले भी हैं, मिलिट्री का जो कर्नल था उससे भी अपने पंगे वगैरह हो चुके हैं, तो भाई मिलिट्री वाले भी ना अपने पीछे पड़े हुए हैं,
मतलब सिर्फ पुलिस ही नहीं भाई, मिलिट्री वाले भी अपने को मार रहे हैं। फटाफट से अपने घोड़े को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पे। तो अभी हम लोग यार लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं गाइस। यहाँ पे आते आते भाई हालत खराब हो गई। ओके, तो ये बंदा शायद मेरा ऊपर इंतजार कर रहा है। एक सेकेंड, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ओके 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 गाइस, तुम लोग यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। एंड एक सेकेंड, यहाँ पे डच भी है क्या, खुद देखना। ओके गाइस, डच भी है यहाँ पे, तुम लोग यहाँ देख सकते हो। अपनी गैंग के बंदे भाई दूसरी गैंग वालों के साथ काम कर रहे हैं। एंड मेरे को नहीं पता हम लोग यहाँ पे करने क्या आए हैं, पर पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तगड़ा सीन होगा, इसीलिए यहाँ पे इतने लोग हैं। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो पीछे डायनामाइट है भाई, बॉम्ब वगैरह है। ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में या फिर उससे पिछले वाले वीडियो में चोरी करी थी पुलिस के वहां से। ओके, मैंने आप लोग को बताया था कि यार देखो डायनामाइट और जब भी हम टीएनटी वगैरह चोरी करते हैं ना, तो उसके आगे कोई ना कोई तगड़ा काम होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है एंड हम कुछ तो कुछ तबाही करने वाले हैं। अबे कुछ ना कुछ तबाही, कोई दिक्कत नहीं है, मजा बहुत आएगा गाइस, मजा बहुत आएगा। अब ये सपने को ये देखना है कि हम लोग उड़ा किसको रहे हैं। ओके, तो अपने को डच को फॉलो करना है, क्या करना है मेरे को नहीं पता। ये वायर कहाँ से जा रहा है, एक सेकेंड, ये वायर कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता। इस वायर में तो आग नहीं लगानी, एक मिनट देखना पड़ेगा। ओके, तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और कितना नीचे जा रहा है भाई। ओके, तो गाइज मुझे लगता है कि इसी वायर के अंदर हम लोग को बॉम्ब का कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा एंड फिर हम लोग इसको ब्लास्ट करेंगे और ये शायद रोड पे जो भी जाएगा ना उसको उड़ा देगा। तो ये सीधे रोड की तरफ जा रहा होगा, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा। डच आ रहा है मेरे पीछे पीछे। ओके, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक सेकेंड। ओके भाई कहां से ओके ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तुम लोग यहाँ देखो, इसको इसको पिक करना पड़ेगा। कोई सीन नहीं है, अभी देख लेते हैं। ओके गाइज, हम लोग रास्ते में चारों तरफ लगा रहे हैं, यहाँ तुम लोग देख रहे हो। ओके, मेरे को इसको लगाते लगाते उस साइड तक जाना है भाई, मतलब यहाँ से पक्का किसी ना किसी का कॉन्वे जाने वाला है, पक्का पुलिस का या फिर मिलिट्री वाला होगा या फिर किसी से चोरी कर रहे होंगे। ओके, वायर में यहाँ पे डायनामाइट लगाई जा रही है, अटैच कर दो डायनामाइट से इसको। ओके, डायनामाइट से इसको अटैच कर दिया ताकि ये ब्लास्ट हो जाए। भाई चारों तरफ देख रहे हो, चारों तरफ तगड़ी करके प्लानिंग हो रही है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चारों तरफ से डायनामाइट यहाँ पे बिछाया जा रहा है भाई तगड़ी तरीके से। इसको भी अटैच कर दो। ओके, और आगे जाना है क्या। अबे भाई कितनी बड़ी तबाही कर रहे हैं, तीन तीन जगह डायनामाइट लगा दिया यार। इतना तो ट्रेन को उड़ाया था तब भी हम लोगों ने सिर्फ एक दो जगह डायनामाइट लगाया था, आज कुछ ज्यादा ही तगड़ा नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी लगा दिया, एक और जगह लगाओ, इसको भी इसमें अटैच कर देते हैं। कोई सीन नहीं है, एक और पेड़। भाई एक ही लाइन से क्यों लगा रहा है भाई, सब तरफ लगा, या तो फिर मेरे को ये लग रहा है कि हम ना पेड़ को गिरा के रोड ब्लॉक करने वाले हैं, कुछ ऐसा सीन होने वाला है। एक ही एक साइड लगा रहे हैं, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद हम लोग पेड़ों को गिराने वाले नीचे। ओके, देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी वापस जाना पड़ेगा, लेट्स गो आर्थर। ओके ओके, डच भाग 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 ऊपर चल, इससे पहले वो लोग यहाँ पे हमें देख वेख लें। अपने को ऊपर चलना पड़ेगा, मैं तो शॉर्टकट मार के निकल लूँगा, डच पूरा घूम कर आएगा, मैं तो पहले पहुँच जाऊँगा। पर कोई सीन नहीं है। ओके, यहाँ पे बैठ के देखते हैं चल क्या आ रहा है भाई, करना क्या आखिरकार। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे मेन जगह, एंड मैं मास्क पहन लेता हूँ, मैं भी बहुत सही मास्क वगैरह पहन के आराम से बैठ के यहाँ पे देखते हैं कितनी देर में वो लोग आते हैं। ओके, एक सेकंड, मेरी पोजीशन यहाँ पे है, मतलब मेरे को इसे एक्टिवेट करना है, डायनामाइट को मैं ही एक्टिवेट करने वाला हूँ। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ लोकेशन पे एंड यहाँ पे घोड़ा आ रहा है, मेरे को एक नज़र आ रहा है। कोई सीन नहीं है, मैं एकदम लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, मैंने पोजीशन ले ली। ओ भाई गाइज काफी सारे लोग आ रहे हैं, पूरी की पूरी फोर्स आ रही है। एक सेकेंड, जैसे वो लोग आएंगे मेरे को डायनामाइट यहाँ पे ब्लास्ट करना है। ओके, काफी सारे लोग पैदल आ रहे हैं एंड कुछ लोग घोड़े पे आ रहे हैं। कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। ओके, मैं रेडी हूँ, तुम लोग टेंशन ना लो, मैं रेडी हूँ एकदम। ओके 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 ओके, ये पुलिस वाले है ना गाइस, पक्का पुलिस है ये। ये लोग जा कहाँ रहे हैं मेरे को नहीं पता, कोई नहीं बचने वाला इनमें से, कोई नहीं बचने वाला, सारे उड़ेंगे, सारे के सारे, सारे लपेटे में आएंगे।
बहुत सही। ओ चेरी गाइस, तुम लोग अभी देखो, यहाँ तुम लोग देख रहे हो पेड़ को ही नीचे गिराया था, और अब देखो ये लोग बो से सबको मार देंगे भाई, सबको मार देगा, कोई भी नहीं बचेगा। ओ भाई प्लान तो तगड़ा बना रखा है इन लोगों ने, प्लान तो तगड़ा बना रखा है। अब ना ये आगे जा सकते हैं, लोग पीछे जाएंगे एंड बुरी तरीके से इसे फंसा भी लिया है इनको भाई। प्लान तो तगड़ा बनाया, और ये देखो ये बंदा तो किसी से नहीं डरने वाला है भाई, ये तो भाई बातें कम करता है, गोलियां ज्यादा चलाता है। ओके ओ भाई 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 भाई, पीछे इनकी और एक फोर्स आ रही है गाइज, पीछे इन लोग की और एक फोर्स आ रही है, एक और टोली पीछे से आ रही है, मेरे को लगा था इतने ही लोग हैं। ओ भाई पीछे वालों ने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, अब तो इन्हें निपटाना पड़ेगा गाइज, अब इन्हें निपटाना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट, मेरे भाई स्नाइपर है ना, मेरे भाई स्नाइपर है, अब आ जाओ बेटा, मैं स्कोप कर करके मारूंगा गाइज। कहाँ 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 बंदे कहाँ हैं? आ जाओ बेटा आ जाओ, तुमसे तुम्हें मजा चखाया जाए, आ जाओ। भाई ये लोग कितने पागल हैं, अगर कहीं ये लोग नीचे से गोलियां चलाते ना तो ये लोग मार भी देते, बट ये लोग इतने पागल है, देखो ऊपर चढ़ गए। ओ भाई ये आदिवासी लोग देख रहे हो कुल्हाड़ियां ले लेकर जा रहे हैं, ये आदिवासी लोग कितने खतरनाक है भाई, कुल्हाड़ी। एक सेकंड, दो तीन को तो मैंने आग ही लगा के मार, ओ भाई कुल्हाड़ी से मार दिया काट के इन लोगों ने, अब मेरे को चलाने तो ये वाली गन। ओके लूट करनी है लूट करनी है लूट करनी है, फटाफट से लूट करते हैं। ओके गोल्डन पॉकेट वॉच मिली है भाई, इन पे तो कीमती सामान है गाइस, इन पे तो कीमती सामान है भाई, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ओके तो अभी हम लोगों ने सारे लोग को लूट लिया है यहाँ पे, जितने भी लोग थे एंड इन लोगों से काफी कीमती सामान मिला है एंड काफी ज्यादा पैसा वगैरह भी मिल चुका है जो अपने काफी काम आएगा, एंड हम लोगों ने इनकी गन्स वगैरह भी रख ली। और एक सेकंड गाइस, भाई ये कौन आ गया? ओ थ्री, गाइस ये लोग पूरी लॉन्च पूरी आर्मी आई है इनकी यहाँ पे। मैं ना एक काम करता हूँ, जितने मॉली फेंक सकता हूँ ऊपर डालता हूँ, क्योंकि इनकी आर्मी है पूरी की पूरी आर्मी आ रखी है गाइस, एंड अब मेरे को ऊपर जाके उन्हें उन्हें निपटाना पड़ेगा पहले, जिसके पास जो तोप चला रहा है। कोई सीन नहीं है कोई सीन नहीं है गाइस, तोप वाले बंदे को निपटा दिया मैंने, तोप वाले बंदे को निपटा दिया, एक दो बंदे और रह गए बस, एक और बंदा रह गया भाई, पूरे में आग ही आग लग गई पूरे जंगल में भाई, क्या सीन है गाइस क्या सीन है, मतलब देख रहे हो पूरी तोप लेकर आ गए ये लोग, पूरी की पूरी तोप लेकर। यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब निकलना पड़ेगा, यहाँ पे और ज्यादा पुलिस आ गई है, कुछ लोग तो अपने साथ के यहाँ पे निपट गए भाई, कुछ लोग तो निपट गए क्योंकि अचानक से उन लोगों ने तोप चला दी, तो एक दो बंदे तो निपट गए यहाँ पे भाई, निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा भाई, जल्दी निकलो यार यहाँ से, फंसेंगे बुरी तरीके से। ओके तो गाइस अभी यहाँ पे भाई तोपे चलना स्टार्ट हो चुकी है भाई, निकलना पड़ेगा, एक सेकेंड, निकलो 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 निकलो, भागो 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 यहाँ से भागो, यहाँ रुके तो बहुत ही तगड़ा सीन हो जाएगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा गाइस, डच यहाँ से निकल गया, मेरे को भी भागना पड़ेगा, वी नीड टू राइड हार्ड भाई, जल्दी 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 फॉलो डच गाइस, अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो बहुत बुरी तरीके से मरने वाले हैं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी अपने साथ में काफी सारे लोग तो कहाँ गए भाई, सारे निपट गए क्या भाई? धीरे धीरे गाइस अपनी गैंग खत्म होती जा रही है, एंड पीछे से ना अपने पीछे भाई बहुत ज्यादा फोर्स आ रही है,
तो यहाँ से भागना पड़ेगा। अब इन लोगों से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक सेकंड है, हम लोग चारों तरफ से घिर गए भाई, करे क्या? एक सेकंड, क्या करना है? एक सेकंड, ओके इन लोगों ने घोड़ों को भगा दिया है। ओके हम लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं भाई, घोड़ों की तरफ से भाग। मैं गन निकाल लेता हूँ, मैं गन निकाल के रखता हूँ हाथ में अपने। ओके गन मैंने निकाल लिया, टेंशन की बात नहीं, गन मैंने निकाल लिया है। भाई बहुत रेंज है इस गन की, बहुत रेंज गन है यार, जो मेरे पास शॉर्ट गन है ये वाली, सॉरी जो पिस्टल है, इसकी रेंज काफी सही है यार। छुप के बैठा हुआ था भाई बंदा, कितने बंदे हैं यार। गया डेस्ट, टेंशन ना ले, आजा 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 आजा। एक सेकंड गाइस, गोलियां खत्म हो गई। नहीं नहीं है, रिलोड नहीं करी बस मैंने। एक सेकंड, ये नीचे कहां जा रहा है यार? ओके सामने गाइस मेरे को ट्रेन नजर आ रही है, हम लोग ट्रेन में तो नहीं भागने वाले। गाइस हम मरने वाले हैं, वो तो अच्छा है इनके पास रिलोड करने वाली गन है, ये लोग जब तक रिलोड करते हैं ना एक चलाने के बाद, तब तक हम इन्हें टपका देते हैं। निकल 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 भाई, ये छुपा पड़ा है यहाँ पे। उसी चीज का फायदा हो रहा है कि गाइस इनके पास रिलोड करने वाली गन है, एक गोली चलाओ फिर ये लोग रिलोड करते हैं। एक सेकेंड भाई, मैं कहाँ जा रहा था अभी, गलती से मैं पानी में गिर जाता। एक सेकंड, स्केप द डाउन। ओके यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, निकलना पड़ेगा। भाई कोई रास्ता ही नहीं गाइस, पुल टूटा पड़ा है यहाँ पे, कोई रास्ता ही नहीं। पहले यहाँ पे लकड़ी का पुल था, मैं कई बार अपने घोड़े के साथ यहाँ पे आया हूँ भाई, कई बार आया हूँ गाइस घोड़े के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी ने पुल तोड़ दिया ये। एंड ओ भाई 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 भाई, तुम लोग सामने देख रहे हो गाइस, बंदे भरे पड़े हैं भाई। अभी एक ही रास्ता है, या तो हम लोग सरेंडर कर दें या फिर पानी में जंप मार दें। ओके आई गॉट अ प्लान, ओके कुछ तो तगड़ा प्लान है। हेलो, ओके सरेंडर कर रहे हैं क्या हम? कीप देम हैंड्स अप एंड कम हियर। ओ भाई 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 भाई, अब तो ये लोग निपटा सकते हैं। ई टू सरेंडर, कीप योर हैंड्स अप एंड कम हियर। ओके कम हियर, वी कांट डू दैट। ओके योर मैन गाइस, हम लोग ने सरेंडर भी कर रहे। ओ भाई चारों तरफ से गिर गए हम लोग, देखो चारों तरफ से गिर गया गाइस, चारों तरफ से भाई, कोई रास्ता है ही नहीं। अभी एक ही रास्ता है कि पानी में जंप मार देंगे, जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मर जाएंगे, बट भाई पुलिस के हत्ते चढ़ गए तो बहुत टॉर्चर करेगी पुलिस, बहुत टॉर्चर। भाई निकलना पड़ेगा गाइस, निकलना पड़ेगा यहाँ से। अबे जंप मार दो भाई, क्या बातें कर रहे हो, जंप मारो यार जल्दी। इट्स वेस्ट, यू कांट फाइट नेचर कैप्टन। ओके ओ भाई, ओ तेरी गाइस, क्या तगड़ा सीन हुआ भाई, क्या तगड़ा सीन हुआ। पुलिस ऊपर से गोली चला रही है, लगी पड़ी है गंदी तरीके से गोली चला रही है। पानी बहुत ठंडा है गाइस, बहुत इस पहाड़ों से आ रहा है, हिमालय से पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है हिमालयन पानी है भाई, मतलब हिमालय से जो पानी नहीं आता, हिमालयन पानी नहीं, ठंडा भाई पानी। और देख लो कितना ज्यादा साफ सुथरा है भाई, अगर पत्थर के ऊपर सोचो गिर जाते तो क्या हालत होती। स्विम टू डच, ओके डच के पास जाना पड़ेगा, डच के पास। अबे आ रहा, ओके, बहुत सही। मुझे लगा नहीं था कि गाइस आज हम लोग बचने वाले हैं, मुझे लगा अपन लोग सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस अपने को ठोक देगी, पर कोई प्लान तो नहीं था, बट चलो ठीक है, जान बचाने के लिए अपन लोगों ने जंप तो मार दिया। पुलिस वाले ऊपर खड़े अभी भी देख रहे हैं, बट कोई फायदा नहीं है, वो अपना कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग उनकी रेंज से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं।
एंड अभी हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं और हमारे घोड़े आ गए ना तो अपन लोग आराम से निकल जाएंगे। ओके तो डच अभी यहाँ से जा रहा है भाई ईगल फाइल्स को ढूंढने एंड हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं और पे। तो डच को पता है कि यार आर्थर की हालत थोड़ी सी खराब है इसीलिए भाई आर्थर थोड़ा आराम वगैरह करेगा क्योंकि आर्थर को ना मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहा है। आर्थर बहुत ज़्यादा मतलब थकान वगैरह लग जा रही है क्योंकि तुम्हें पता है यार आर्थर बहुत बीमार है मतलब देख रहे हो हालत ख़राब है भाई बंदे की। अभी आर्थर सो रहा है और जब भी आर्थर सोता है ना उसे वुल्फ का सपना ही आता है। देखो अभी जो सपना आ रहा है और ये देखो अभी सोकर उठ गया है भाई। जब भी ये सोता है मेरे को नहीं पता कि इसे वुल्फ का सपना ही क्यों आता है, शायद उसे डरता होगा पता नहीं कुछ ऐसा है। ओके तो अभी लोग कैंप में आ चुके हैं एंड मेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या? अरे यार मैंने भाई यार मुझे कुक करना था यार मैंने गलती से पूरी की पूरी आग ही बुझा दी बट चलो कोई सीन नहीं है। एंड अभी अपने को जाना कहाँ पे है भाई? यहाँ तो अपन लोग वांटेड हो चुके हैं खतरनाक तरीके से। एंड तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस की गाइज, ये पूरा मैप पहले पूरा का पूरा मतलब लॉक हो रखा था बट अभी देखो अनलॉक हो गया। धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलती जा रही है जैसे जैसे हम लोग मिशंस कर रहे हैं जैसे हमारा आगे काम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे सारी चीज़ें अनलॉक हो रही है सारी की सारी चीज़ें। तो अभी अपना घोड़ा भी आ चुके हैं एंड मुझे लगता है कि गाइज अभी अपने को ना यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये वाला एरिया ना अपने लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी ना अपन लोग कैंप की तरफ चलते हैं। वैसे यार देखो यहाँ पे काम वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ बट कैंप की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्थर को आराम वगैरह करना है क्योंकि आर्थर की हालत हो रही है थोड़ी सी ख़राब। और मैं उस साइड जाऊँगा कैसे? एक सेकेंड यार। ओके 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 यहाँ से एक रास्ता है ना शायद हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ओके ये रहा रास्ता, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं एंड आप पुलिस से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम लोग ने बंदे के पीछे पीछे ही चलते हैं क्योंकि ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे जाके ना मैं निकल सकता हूँ अपनी गैंग की तरफ मतलब मेरी जहाँ गैंग है वहाँ निकल सकता हूँ पूरी की पूरी गैंग के पास। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं पानी के बगल बगल से। हम लोगों ने इसी नदी में मतलब जंप मारा था जब पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी। अरे एक सेकेंड भाई क्या कर रहा है यार तूफान हद है भाई। जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। एक सेकेंड गाइस अपना घोड़ा गाइस काफ़ी वीक हो गया, देखो इसका ब्लड भी निकल रहा है। एक मिनट मेरे को नहीं पता इसको क्या हो गया भाई, एक मिनट इसको खाना खिलाओ पहले यार। मैं इसको टॉनिक भी दे सकता हूँ गाइस, मैं इसको टॉनिक भी दे सकता हूँ, मेरे पास टॉनिक है ना। एक मिनट मेरे पास है काफ़ी ज़्यादा टॉनिक हेल्थ के लिए। एक मिनट मैं इसको, अरे यार ये तो मैंने खुद पी ली। एक सेकेंड हॉर्स के लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा गाइस, टॉनिक वगैरह कुछ ना कुछ तो होगी मेरे पास। यहाँ पे ये क्या है, हॉर्स स्टैमिना। ओके ये देखो ये देखो, अब मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया, अब ये ठीक है एकदम। इससे क्या होता है ना हॉर्स जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ना तो हम लोग ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, इससे इसका स्टैमिना एकदम बूस्ट हो जाता है एंड ये तेज़ी से भागने लगता है। तो अभी मेरे को पानी के बगल बगल से यहाँ से निकलना है और ये कौन आ रहा है भाई ऊपर से, पता नहीं कौन आ रहा है। फटाफट से निकलते हैं भाई अपनी गैंग के पास। और ये वाला ब्रिज देख रहे हो गाइस, भाई ये वाला ब्रिज देखो कितना ज़्यादा छोटा सा है। ओ भाई यहाँ पे घोड़ा चलाने का तो एकदम अलग ही टेंशन है भाई, अलग ही टेंशन। आराम से भाई रास्ता देख रहे हो गाइस, इतना पतला रास्ता है ना कि पैदल भी बंदा ना चल पाए और यहाँ घोड़ा चला रहा हूँ मैं, हद है भाई। तो फटाफट से घोड़े को लेते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई अपने कैंप की तरफ। और अरे 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 आराम से आराम से आराम से, मेरे को भाई पीछे जाना पड़ेगा इस, मेरे को इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है। भाई यहाँ का रास्ता और ये ब्रिज ना भाई बहुत छोटे छोटे हैं। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं अपने कैंप की तरफ एंड इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया, अगर मज़ा आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना एंड हाँ कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।